हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HPPSC PGT बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 3 की। इससे पहले मैं दो पार्ट ऑलरेडी जो है बॉटनी इंसाइट्स में डाउनलोड कर चुकी हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने दो पार्ट नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप दोनों पार्ट को जो है ज़रूर देखना। इस सीरीज़ जो है मेनली जो PGT बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए एक प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से सिलेबस जो है HPPSC द्वारा डिसाइड किया गया है उसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, ताकि एक आइडिया लगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पुट हो सकते हैं और कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। जो PGT बायोलॉजी का सिलेबस अभी जो है अपडेटेड सिलेबस HPPSC ने डाला है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक सिलेबस ऐसा है जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक उसमें क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के मास्टर्स लेवल के भी डाले हैं, तो मैं जो क्वेश्चंस डाल रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको डाल सकूँ। नो डाउट कि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन यही आएंगे जिनके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पुट होंगे ये हम जो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेनली हमें आइडिया लगेगा कि हम लोगों की प्रिपरेशन कितनी है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कितनी है और कितना जो है उनको फोकस करने की अभी ज़रूरत है। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करवा रही हूँ वो कमीशन के किसी ना किसी पेपर में पहले पूछे गए हैं, उसी तरह से मैं जो है आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पुट कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूमर्स। तो पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एक प्लांट है जिससे जो है पोडोफाइलोटॉक्सिन मिलती है जिसको अगेंस्ट ट्यूमर यूज़ किया जाता है। तो कौन सा पार्ट जो है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम का यूज़ किया जाता है उस टॉक्सिन पोडोफाइलोटॉक्सिन को फाउंड करने के लिए? तो उसका जो पार्ट है वो रूट जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम का जो प्लांट है उसे हम रूट के से जो है पोडोफाइलोटॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोर इफेक्ट एक्सप्लेन्स व्हाई। रेस्पिरेशन में बात हो रही है कि बोर इफेक्ट जो है रेस्पिरेशन में किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे मेनली जो है रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो बोर इफेक्ट जो होता है रेस्पिरेशन में ये बताता है कि व्हाई हीमोग्लोबिन अनलोड्स इट्स ऑक्सीजन व्हेन इट एनकाउंटर्स लो pH। तो हीमोग्लोबिन क्यों अनलोड कर देता है ऑक्सीजन को जब वो लो पीएच को एनकाउंटर करता है? तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय बोर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकैलिस्ट्रेंट सीड्स आर दोज। रिकैलिस्ट्रेंट सीड्स हम किन सीड्स को कहते हैं? तो रिकैलिस्ट्रेंट सीड्स वो सीड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर फ्रीजी कंडीशन में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दीज आर द सीड्स विच गेट किल्ड ऑन ड्राइंग और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग और ड्राइंग टेम्परेचर में जो है किल हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो का जो सीड होता है वो भी जो है इसी तरह का एक रिकैलिस्ट्रेंट सीड है जो ड्राइंग और फ्रीजिंग कंडीशन में जो है वो किल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन कोट सरफेस ऑफ माइक्रोब्स टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो जो भी स्टूडेंट ये सीरीज देख रहा है जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसके बाद आप इसको पॉज करें और उसका आंसर जो है वो खुद सॉल्व करने के बाद ही देखें ताकि आपको आइडिया लगे कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप उससे रिलेटेड जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, थ्योरी को देख सकते हैं दोबारा कि कहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस क्वेश्चन इज दैट इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन कोट सरफेस ऑफ माइक्रोब्स टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए कोट करती है, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन? सो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीमल्सिंट इज अ ड्रग। डीमल्सिंट जो है कौन सी टाइप की ड्रग होती है? सो डीमल्सिंट जो ड्रग्स होती हैं वो लाइक कोटिंग की तरह काम करती है, एक स्मूथ सा सरफेस फॉर्म करती है। सो दिस सूथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सो उसके लिए जो है डीमल्सिंट ड्रग जो है हमारी यूज होती है। नेक्स्ट इज द परकिंजे फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड। परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? दीज आर कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल सेल, जिसकी आपको आइडिया कि हार्ट के अंदर परकिंजे फाइबर होते हैं। सो दीज आर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्मस वुड इज डेजिग्नेटेड सॉफ्ट वुड. जिम्नोस्पर्म की जो वुड है उसको हम सॉफ्ट वुड कहते हैं, तो इसका रीजन बताना है कि सॉफ्ट वुड क्यों कहते हैं. सो मोस्ट कॉमन जो चीज हम लोग जब भी सोचते हैं सॉफ्ट वुड तो हमारे दिमाग में आती है बेसल्स, क्योंकि बेसल्स अब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि इस वजह से सॉफ्ट वुड कहते हैं. लेकिन जो फैक्टर सॉफ्ट वुड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिम्नोस्पर्म वुड को वो है फाइबर्स आर लेकिंग. फाइबर्स जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्मस वुड में, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है. वेसल्स के अलावा जिम्नोस्पर्म वुड में फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसी वजह से इनको हम कहते हैं सॉफ्ट वुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन अ मैमल कैरी ब्लड विथ रिस्पेक्टिवली द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया. सो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो मैमल के अंदर कैरी करती है हाइएस्ट कंसेंट्रेशन और लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया. पहला जो ऑप्शन होगा वो हाइएस्ट एंड दूसरा जो ऑप्शन होगा वो लोएस्ट कंसेंट्रेशन को शो करेगा. सो ये इसका जो आंसर है दैट इज हिपेटिक वेन में हाइएस्ट कंसेंट्रेशन होती है और रेनल वेन के अंदर जो होती है वो लोएस्ट कंसेंट्रेशन होती है. तो नेक्स्ट इज रिसिपाइन फाइंड्स मैक्सिमम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ. रिसिपाइन जो ड्रग है उसका मैक्सिमम यूज जो होता है किस चीज के लिए होता है. सो रिसिपाइन एक ड्रग है, उसका यूज जो होता है मैक्सिमम यूज होता है फॉर द मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर के लिए मेनली जो होती है वो रेसरपाइन जो ड्रग होती है वो यूज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपिटोकीज. एपिटोक किसको कहते हैं. सो एपिटोक जो होती है दैट इज अ रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ पॉलीजिटी. पॉलीजिटी की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उसको हम कहते हैं एपिटोक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल इज पॉलिनेटेड बाय. एप्पल को इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा इंसेक्ट है जो पॉलिनेट करता है. सो दीज आर मेनली पॉलिनेटेड बाय बीज. तो जो भी ऐसे हिमाचल में या फिर जहाँ भी एप्पल होते हैं वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे एप्पल मेनली होते हैं वहाँ पे जो होते हैं बीज के लिए वो बॉक्स भी रखे गए होते हैं बीज के. सो मेनली जो होते हैं एप्पल को पॉलिनेटेड बीज ही करती है. नेक्स्ट इज फिनोल इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग जीनोमिक डीएनए फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. फिनोल जो होता है वो यूज किया जाता है जीनोमिक डीएनए का एक्सट्रैक्ट करने के लिए. क्यों, इस रीजन की वजह से यूज किया जाता है. सो द रीजन इज दैट इट एक्सट्रैक्ट्स हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स, क्योंकि हाइड्रोफोबिक प्रोटीन और अदर कंपोनेंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है. इसी रीजन की वजह से जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिनोल को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आपको फ्रूट को मैच करना है उसके मॉर्फोलॉजिकल टाइप के साथ. कि फ्रूट जैसे कि हम पढ़ते हैं फ्रूट और टाइप्स ऑफ फ्रूट होते हैं हमारे पास, उस तरह से हमें बताना है कि कौन से टाइप के फ्रूट जो हैं ये है, इसके इस फ्रूट को कौन सा टाइप कहा जाता है. जैसे कि हमारा पपाया है, तो पपाया का जो है इन ऑप्शन में से कौन सा फ्रूट जो है वो पपाया का रहता है. सो जो पपाया है वो जो होता है बेरी, बेरी जो फ्रूट होता है मैनी सीडेड फ्रूट जिसको हम कहते हैं मैनी सीडेड, तो इसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं इसलिए पपाया जो होता है बेरी होता है. फिग, फिग जो होता है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है साइकोनियम का. ये जो होती है कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस है, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करती है. सो फिग जो होता है वो साइकोनियम इन्फ्लोरेसेंस मतलब पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, इसलिए इस फ्रूट टाइप को कहते हैं साइकोनियम. नेक्स्ट जो कोकोनट हमारा होता है, कोकोनट जो होता है हमारा ड्रूप होता है. कोकोनट के अंदर जो होता है हमारा ड्रूप होता है, मीजोकार्प जो होती है इसकी जो फाइबर वाला पार्ट होता है वो मीजोकार्प फॉर्म करती है, और एंडोकार्प जो होता है वो इसका हमारे पास जो अंदर कोकोनट के अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है. तो कोकोनट जो होता है ड्रूप होता है, और पंपकिन जो होता है वो पेपो होता है. पेपो में जो होती है वो हार्ड वॉल्ड होता है. पेपो की जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड वॉल्ड होती है. तो जितने भी फ्रूट जिनकी हार्ड वॉल्ड रहेगी आउटर साइड में उनको हम कहते हैं पेपो. सो इन सबको जब हम मिला रहे हैं तो उसके बाद हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो रहा है. सो ये जो है फ्रूट टाइप एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल टाइप जो है वो शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ जीन कंटेन्स द सीक्वेंस. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ये वाली सीक्वेंस कंटेन कर रहा है. आपने जो है इस तरह से देख लेना है कौन से एंड पे 3' to 5'. तो हमने आइडेंटिफाई करना है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की. सो जब ये 3' to 5' है यानी कि 5' इस साइड को होगा और 3' जो है इस साइड को होगा. अब आपको मैच करना है कि 5' की साइड पे कौन सा होना चाहिए, 3' की साइड कौन सा होना चाहिए.
थाइमिन जो होता है हमारा बॉन्ड शो करता है एडेनिन थाइमिन के साथ करता है, साइटोसिन गवानिन के साथ करता है। तो यही ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं तो हमने आइडेंटिफाई करना है। अब देखो सबसे पहले थाइमिन है, दोनों थाइमिन है तो 5' साइट पे एडेनिन जो है हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में जो है एडेनिन प्रेजेंट है, देन गवानिन प्रेजेंट है, देन ये जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखो तो एडेनिन के साथ यूरासिल है और थाइमिन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होना चाहिए। सो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए तो नहीं हो सकता है, आरएनए अगर पूछा होता तब हमारे पास ऑप्शन ये होता क्योंकि जो एडेनिन है फिर उस केस में यूरासिल के साथ बॉन्ड बना था, थाइमिन के साथ नहीं। लेकिन यहाँ पे हमसे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा गया इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फॉर ग्रीन टी रिक्वायर्स। ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक बॉटनी वाले चैप्टर से, इकोनॉमिक बॉटनी का भी पार्ट जो है जो सिलेबस डिसाइड किया गया है बायोलॉजी का उसमें है। तो ग्रीन टी प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए होता है, सो ग्रीन टी प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए होता है हीटिंग फ्रेशली पिक्ड लीव्स टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स। इसके लिए हमें जो है फ्रेशली पिक्ड लीव्स जो होते हैं उनको हीट करना पड़ता है ताकि एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए। नेक्स्ट इज द इनिशियल डोर्सल वेंट्रल ओरिएंटेशन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस इज डिटरमाइंड बाय। जो इनिशियल डॉर्सल वेंट्रल ओरिएंटेशन होती है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की वो किस वजह से डिटरमाइंड होती है, किस प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइंड होती है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म। सो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म जो है शो करती है इनिशियल डॉर्सल वेंट्रल ओरिएंटेशन, इनिशियल वाली जो ओरिएंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेनिंग रेयर हाइब्रिड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कल्चर ऑफ। सो ये टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो है रेयर हाइब्रिड हमें किसका कल्चर करने पे मिलता है। सो जो रेयर हाइब्रिड होता है जब हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं उस टाइम जो है हमें रेयर हाइब्रिड की जो है फॉर्मेशन होती है, रेयर हाइब्रिड हम एम्ब्रियो के कल्चर के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सेलुलर जीनोम इट इज कॉल्ड ए। जब बैक्टीरियोफेज जो होता है हमारा जो बैक्टीरिया होता है लाइक बैक्टीरियोफेज जब वो अपना इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सेलुलर जीनोम, वो जो होता है सेलुलर जीनोम में इंटीग्रेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो वहाँ पे जब हम ये बैक्टीरियोफेज जो है किसी बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है उसके बाद जो बैक्टीरियल जीनोम होता है उसके साथ अपना जो जीन होता है उसको इंटीग्रेट कर देता है तो उसको हम कहते हैं प्रोफेज, उसे हम कहेंगे प्रोफेज क्योंकि उसके अंदर हाफ जो होता है बैक्टीरिया का रहता है जीन और हाफ जो होता है वो हमारे पास जो हमारा वायरल है बैक्टीरियोफेज है उसका रहता है तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और लाइक बैक्टीरियोफेज जो इंटीग्रेट करता है उसको हम कहते हैं प्रोफेज क्योंकि वायरुलेंट वायरस, ट्रांसमिटिंग वायरस और लाइटिक वायरस जो डिफरेंट टर्म है जब इंटीग्रेट हो जाता है सेलुलर जीनोम में तो उसको हम कहते हैं प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीसीआर व्हेन अ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन वाज परफॉर्मड ऑन ह्यूमन जीनोमिक डीएनए मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ बेयरिंग साइजेस वर ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग वन ऑफ द एक्सपेक्टेड साइज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द प्रोटोकॉल इज द मोस्ट लाइकली टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट। इसमें पूछा गया है कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑब्वियसली जो है हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं ह्यूमन जीनोमिक डीएनए पे मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ बेयरिंग साइजेस ऑब्टेन्ड होते हैं तो एक जो होता है उसमें एक्सपेक्टेड साइज का होता है। हमें पूछा गया है कि कौन सी मॉडिफिकेशन हम करें कि जो एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट है उनको हम एलिमिनेट कर दें तो उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल कर सकते हैं एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं दैट वुड बी रेजिंग द एनिलिंग टेम्परेचर फ्रॉम 52 डिग्री टू 56 डिग्री। जब हम रेज कर देंगे टेम्परेचर को सो जो एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट होंगे वो वहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग लीनसीड कैस्टर सोयाबीन। ये अगेन क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पार्ट है उसमें से यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हमारे पास चार ऑप्शन इनमें से हमने बताना है कि ड्राइंग और सेमी ड्राइंग ऑयल्स जो हैं वो कितने हैं इनमें से। सो इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ नॉन ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल कौन से होते हैं उनके एग्जांपल क्या है। तो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं दिस डू नॉट फॉर्म एनी लेयर व्हेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। सो ये जो होते हैं वो किसी टाइप की लेयर की फॉर्मेशन नहीं करते हैं जब एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ये जो होते हैं हमारे नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं। देन ड्राइंग ऑयल होते हैं वो फ्लेक्सिबल लेयर की फॉर्मेशन करते हैं जब एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल और फ्लेक्सीड ऑयल। फिर बात आती है सेमी ड्राइंग ऑयल की, सेमी ड्राइंग ऑयल जो होते हैं हमारे कॉर्न ऑयल,
कॉटन सीड ऑयल, सिसम ऑयल, क्रेप सीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये एग्जाम्पल है हमारे पास सेमी ड्राइंग ऑयल के। तो हमसे पूछा गया था अमंग लीन सीड, कास्टर, सोयाबीन एंड मस्टर्ड, तो इनमें से हमें बताने थे कौन से जो हैं वो ड्राइंग और सेमी ड्राइंग है, यानी नॉन ड्राइंग नहीं हमें यहाँ पे बताने हैं। तो इनमें से जो कास्टर है वो हमारा नॉन ड्राइंग है, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया, हमसे ड्राइंग और सेमी ड्राइंग पूछे। इवन मस्टर्ड भी जो है हमारे पास वो जो है नॉन ड्राइंग ऑयल है। सो ये दोनों जब हमारे पास कट हो जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, लिनसीड और सोयाबीन। और लिनसीड और सोयाबीन जो है फ्लैक्सीड ऑयल ही लिनसीड ऑयल है हमारा, तो लिनसीड ऑयल जो है ये दोनों ड्राइंग ऑयल है। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ पे टू होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज टू ब्रिंग, टीआरएनए का क्या फंक्शन रहता है। सो टीआरएनए मेनली अमीनो एसिड को लेके आता है टू द राइबोसोम तक, ट्रांसफर आरएनए है और इसका यही काम होता है कि अमीनो एसिड्स को टू द राइबोसोम लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर्स द फाइबर्स ऑफ द शूट, जो फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है हम लोगों को कॉमनली ये पता होता है कि फाइबर की फॉर्मेशन होती है, फाइबर में मेनली हम फ्लोइम ही फाइबर्स देखते हैं या बास्ट फाइबर्स देखते हैं, लेकिन जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग पार्ट से फॉर्म होते हैं, कुछ जो है कॉर्टेक्स से भी फॉर्म्ड होते हैं, कुछ जो है वो पेरिसाइकल से भी फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया था जूट के फाइबर जो है वो कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, जूट के फाइबर जो होते हैं वो हमारे फ्लोइम से ही फॉर्म होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फ्लोइम ही होना चाहिए, लेकिन बाकी कुछ फाइबर्स ऐसे भी हैं जो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल से भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हाइब्रिडोमा मीन्स, हाइब्रिडोमा टर्म का क्या मतलब है। दिस इज फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल इन कल्चर, सोमैटिक सेल की जो फ्यूजन होती है कल्चर में उसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा। नेक्स्ट इज इन सिट्रस एंड मैंगो एडवेंटेटिव एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम, सिट्रस और मैंगो में एडवेंटेटिव एम्ब्रियो नहीं होती है, तो वो जो होते हैं वो एम्ब्रियो कहाँ से अराइज होते हैं, तो जो सिट्रस और मैंगो के एडवेंटेटिव एम्ब्रियो हैं वो अराइज होते हैं न्यू सेल्स से, तो न्यू सेल्स जो है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो की जो है यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो न्यू सेल्स जो हमारा रहता है वो डिप्लॉइड होता है और इसी से जो है हमारे एडवेंटेटिव एम्ब्रियो की जो है आगे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन से जो है वो सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सिंगल लिपिड यहाँ पे पूछा गया, न्यूक्लियस की हमारे पास हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे हमसे पूछी गई थी सिंगल, सो दैट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइसोसोम के केस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द स्पीसीज एंड इट्स मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल, तो हमने यहाँ पे जो है सीड डिस्पर्सल बतानी है, सीड डिस्पर्सल होती है कि किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है सीड डिस्पर्सल है, जैसे जू कोरी बोला गया है तो एनिमल के थ्रू अगर सीड डिस्पर्स हो रहा है, ऑटो कोरी अगर वो खुद जो प्लांट है वो ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है सीड को, मायरोमेकोफिली यानी आंट्स के थ्रू जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं सीड, एनिमोकोरी यानी कि एयर के थ्रू बाई विंड जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे सीड। सो इन प्लांट्स में बताना है कि इनमें कौन सी टाइप की जो है सीड डिस्पर्सल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे पास इम्पिसिस पावरी फ्लोरा है इसमें जो है ऑटोकोरी होती है, खुद ही जो है सीड डिस्पर्सल होता है, देन ऑरोक्सिलम इंडिकम जो हमारे पास है इसमें जो होती है वो विंड के थ्रू जो होती है वो सीड डिस्पर्सल होता है, देन विस्कम एल्वम में जो होती है वो इंसेक्ट के थ्रू एनिमल्स के थ्रू होता है, एंड एनिमोन नेमरोसा जो है उसमें जो होती है थ्रू एंड्स जो है वो हमारा सीड डिस्पर्सल होता है। सो जब ये ऑप्शंस हम मैच कर रहे हैं सो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सो ये जो होती है सीड डिस्पर्सल की टेक्निक है, अगर हमें एक आधे किसी प्लांट का सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म पता है तो हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही फायदा होता है कि अगर हमें फोर में से टू भी आ रहे होंगे तो हम जो है करेक्ट मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल डिजीज इलस्ट्रेट द, सिकल सेल डिजीज जो होता है वो किस तरह की चीज शो करता है, डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल पेयरिंग या रिसेसिवनेस। सिकल सेल जो डिजीज होता है उसमें जो हमें पता है कि हमारे आरबीसीज जो होती हैं वो जो होती है हमारी सिकल सेल की फॉर्म मतलब इस तरह से प्रेजेंट होती है, राउंड शेप में नहीं रहती है, तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर नॉर्मल जो है दोनों प्रेजेंट हो फिर भी हमारे पास सिकल सेल प्रेजेंट होता है क्योंकि ये रिसेसिव जो है वो कंडीशन है। सो ये हमें शो कर रही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, किसी की भी डोमिनेंस यहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे कि हम जहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं कि रेड और वाइट कलर का फ्लावर है,
मिक्स करके वो हमारे पास पिंक कलर का बन रहा है, यानी किसी की भी डोमिनेंस नहीं हो रही है। सेम स्टेज में जो है किसी की भी डोमिनेंस नहीं हो रही है, क्योंकि आरबीसीज जो होती है हमारी सिकल सेल फॉर्म कर रही है, मतलब इस सिकल जो शेप है उसमें प्रेजेंट है। सो ये जो होता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव अडेप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हमसे बोला गया है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट वाइड स्प्रेड इफेक्टिव अडेप्टेशन कौन सी है। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हमें पता है कि या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, और ये कंडीशन में ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिवेंट करने के लिए पूछा गया, अडेप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ऑब्वियसली जब ये दोनों अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, लेकिन हमसे मोस्ट अफेक्टिव पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे डाइकोगोमी बोला गया है। डाइकोगेमी का मतलब है कि दोनों जो मेल और फीमेल फ्लावर है उनकी जो टाइम है, टाइम जो उनके मैच्योर होने का है, मैच्योरिटी वाला टाइम है, वो जो है हमारे पास डिफरेंट है। जब वो दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, मेल फ्लावर अलग टाइम पे, फीमेल फ्लावर अलग टाइम पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं होगी। उस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन हमारी जो है एब्सेंट रहेगी। लेकिन हमसे मोस्ट अफेक्टिव पूछा गया है, तो मोस्ट अफेक्टिव इस केस में जो है हमारी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ही रहेगी, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ही ऐसा ऑप्शन है हमारी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेनली। नेक्स्ट इज हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी भी जो होते हैं बैरियर प्रेजेंट होते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। चारों ऑप्शन जो है प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को, लेकिन मोस्ट अफेक्टिव रहेगा हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.05 मोल पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर सॉल्यूशन में ऑल्सो भी करेक्टली एक्सप्रेस्ड है। यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 0.05 मोल पर लीटर जब हमारे पास है, सो उसको हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो मिलीमोलर में पूछा गया है या फिर हमारे से पूछा गया है माइक्रोमोलर में। तो सबसे कॉमन जो चीज़ होती है कि हमें पहले यूनिट का पता होना चाहिए। जो 1 मोल पर लीटर होता है दैट इज इक्वल टू द 1000 मिलीमोलर। जैसे कि हमें मेन जो हमें टर्म पता होती है 1 लीटर जो होता है हमारा 1000 ml के बराबर होता है, सेम चीज 1 मोल पर लीटर जो होता है 1000 मिलीमोलर के बराबर होता है। अगर 1 मोल पर लीटर 1000 मिलीमोलर के बराबर है, हमसे पूछा गया है 0.05 मोल पर लीटर जो है वो कितने मिलीमोलर के बराबर होगा। सो उस केस में हम क्या करेंगे, 1000 × 0.05 कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा मिलीमोलर वाली कंडीशन। तो मिलीमोलर वाली कंडीशन में अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 50 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 50 मिलीमोलर होना चाहिए हमारा 0.05 मोल पर लीटर। और 50 मिलीमोलर का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, दिस ऑप्शन ए इज 50 मिलीमोलर, तो यही जो है इसका आंसर होना चाहिए 50 मिलीमोलर। ये जो है यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो है वो पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में टेक्निक्स भी डाली गई हैं कुछ, और तो हो सकता है कि रिसर्च से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पुट किए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीरियल्स द एल्यूरन ग्रेन कंटेन्स। तो जो एल्यूरन ग्रेन होता है वो क्या कंटेन करता है। तो सीरियल्स के केस में एल्यूरन ग्रेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तीनों चीजें जो है वो हमारे पास कंटेन करता है। सो दिस इज 30 क्वेश्चन जो आज की सीरीज के लिए मैंने डिस्कस किए हैं, पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज। उसके अलावा मैं बाकी जो है कंटिन्यू रखूंगी सीरीज को जब तक एग्जाम नहीं आता है, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह से हमें एक आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक, किस तरह के टॉपिक जो है वो पूछे जा सकते हैं और कौन से टॉपिक पे हमें जो है मेनली फोकस करना है। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो तो आपको देखने ही है। दो टाइम में मैं जो है कॉलेज कैडर का जो क्वेश्चन पेपर था, अभी जो 22 में कंडक्ट किया गया था और 23 में कंडक्ट किया गया था कॉलेज कैडर, बॉटनी और जूलॉजी, उन दोनों का क्वेश्चन पेपर डालूंगी। सो आप प्लीज़ उसको पक्का देख के जाना, क्योंकि इस तरह से आपको आइडिया लगेगा कि कमीशन अभी जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है वो मास्टर्स लेवल का ही रखा गया है, उसको जो प्लस वन प्लस टू लेवल का नहीं किया गया। तो होप सो वो आपके लिए मतलब ज़्यादा नहीं तो कहीं तो हेल्प करेगा, कि आपको एक आइडिया लगेगा कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पुट कर सकता है।
मुझे ऐसे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टाइप, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इससे पहले 2016 में हुआ है जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड कर चुकी हूँ उस पेपर का, लेकिन वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा ऑब्वियसली इतने टाइम बाद, इवन 6 to 7 years के बाद जो है ये पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो वो जो पेपर होगा वो एक पुराने पैटर्न पर लिया गया था, अब पैटर्न चेंज है और जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसमें जो है क्वेश्चंस उसी तरह के पूछे जाएंगे कि इंक्रीज लेवल पे। तो होप सो जो रिसेंट आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको एक तरह से हेल्प करेंगे। तो ये सीरीज मैं इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। थ्योरी हम जितना भी कर लें, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 30-30 क्वेश्चन की एक सीरीज है। सो इसको आप टाइम निकाल के देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।